आदिपुर। माय सेल्फ हुसैन बायर, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर। आज हमारा पार्ट टू यानी कि सिटिंग आसन, जो स्टैंडिंग आसन के बाद करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज सी द वीडियो, थैंक यू। सिटिंग आसन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि दंडासन में बैठा जाए। दंडासन में यानी कि जो आपके सामने टीचर्स बैठे हैं उस तरह पैर एकदम स्ट्रेट, हाथ अपने दोनों थाइस के पास। धीरे धीरे अभी हम फर्स्ट हमारा आसन करेंगे सिटिंग आसन, वो है हमारा पद्मासन। पद्मासन में एक पैर को बैंड करते हुए अपने थाइस के पास लेकर जाना है। सेकंड पैर को भी वैसी पोजीशन में लाना है। अगर पद्मासन अच्छी तरह से हो सकता है, दोनों पैर दूसरे के ऊपर रह सकते हैं तो आप रख सकते हो, नहीं तो फिर आप अर्ध पद्मासन भी बांध सकते हो। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर एकदम सीधी, रिलैक्स। रिलैक्स करते समय फर्स्ट एक पैर हमारे दंडासन की पोजीशन वाला आएगा, पैर लंबा कीजिए। सेकंड लेग, हाथ दोनों साइड में, रिलैक्स। सेकंड आसन हमारा पद्मासन में योग मुद्रा। दंडासन की पोजीशन, पहले हम पद्मासन बांधेंगे, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन कोई भी आप ले सकते हो। हाथ दोनों पीछे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को नीचे झुकाना है, जितना झुका सकते हो, बस जर्क नहीं आनी चाहिए बॉडी में, ये ध्यान रखना है। हर एक पोजीशन में 5 से 10 सेकंड या आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड है। रिलैक्स, रिलैक्स करते समय ऊपर हाथ छोड़ दीजिए, धीरे धीरे पैर सामने, दंडासन की पोजीशन, यस। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन। नेक्स्ट आसन है हमारा लोल आसन। लोल आसन में हम लोग पहले अपने पद्म आसन में आ जाएंगे, दोनों पैर फोल्ड करना है, जो हम लोग इससे पहले जो किए थे आसन सेम वैसा ही आसन करना है। उसके बाद लेफ्ट और राइट दोनों हैंड को साइड में लेके जाना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने बॉडी को ऊपर ले जाके लिफ्ट करना है, धीरे धीरे, जितना आपसे लिफ्ट हो उतना ही करिए, धीरे धीरे आप ये कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन भद्रासन। भद्रासन में हम एक पैर बैंड करेंगे, दूसरा पैर के पंजे के पास, दोनों को लॉक करने की कोशिश कीजिए, हाथों से लॉक कीजिए, जितना हो सकता है अपनी थाइस को अंदर की साइड खींचने की कोशिश कीजिए, कमर एकदम स्ट्रेट, रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों को लॉक खोलिए, पैर लंबे और दंडासन की पोजीशन। नेक्स्ट आसन पूर्ण तितली आसन। जो हमने भद्रासन की पोजीशन ली थी वही पोजीशन में हमें पैरों को लॉक करना है। पंजे दूसरे एक दूसरे को टच होंगे एक लेग से, यस, दूसरा लेग, हाथों से लॉक कर सकते हो आप, जितना हो सकता है इतना खींचने की कोशिश, पर जर्क नहीं आना चाहिए, ध्यान देना है। दोनों हाथ अभी घुटनों के ऊपर, यस। अभी जैसे तितली जैसे आसन होता है, तितली जिस तरह अपना फ्लाई करती है वैसे आप पोजीशन ले सकते हो, रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को सीधा, दंडासन की पोजीशन। नेक्स्ट आसन गौमुखासन। गौमुखासन में अपने घुटनों में से पैर को बैंड करते हुए बैठना है, सिटिंग पोजीशन में आना है, लेफ्ट लेग को बैंड करते हुए, यस, राइट लेग को भी बैंड करो। अब लेफ्ट राइट हैंड को पीछे लेकर लेफ्ट हैंड से लॉक करना है, रिलैक्स। राइट लेग
सामने लेफ्ट लेग, दंडासन की पोजीशन। यही आसन हम रिवर्स में भी कर सकते हैं, जिसमें लेफ्ट लेग को हम पहले बेंड करेंगे फिर राइट लेग को। अगर राइट लेग लेते हो तो आप लेफ्ट लेग को बेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आसन हमारा वज्रासन। वज्रासन ऐसा आसन है जो एक ही ऐसा आसन है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी हर एक आसन में हम कम से कम 3 घंटे पहले हमारा फूड खाया हुआ होना चाहिए। तो ये आसन हम किस तरह करते हैं, देखिए। फर्स्ट हमारी पोजीशन है कि दंडासन। धीरे धीरे एक पैर लेफ्ट पे लेग पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, आपको स्ट्रांग लेग पहले नीचे लेके जाना है। सेकंड लेग दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, बॉडी एकदम स्ट्रेट और सांस लेते हुए, ये हमारा है वज्रासन। इसी आसन के साथ हमारा आसन कंटिन्यू होगा वज्रासन में योग मुद्रा, जिसमें दोनों हाथों को आप पीछे लेकर लॉक करना है और बॉडी को नीचे झुकाना है जितना झुका सकते हो। रिलैक्स। इसी आसन के साथ हमारा शिशुआसन आएगा। जिस तरह हमने हाथों को लॉक पीछे की ओर किया है, अभी हम हाथों को आगे की ओर लॉक करेंगे और बॉडी को पूरा नीचे झुकाएंगे। हो सकता है कि जमीन को टच अपना सिर होना चाहिए, इसे शिशुआसन कहते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर, धीरे धीरे पैरों को लॉक करते हुए छोड़ देंगे और दंडासन की पोजीशन में बैठेंगे। नेक्स्ट आसन वक्रासन। वक्रासन में तुमको राइट पैर को घुटनों में से फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग सीधा ही रहेगा और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ने की कोशिश करनी है। जिस पोजीशन में आप आ सकते हो, बॉडी को थोड़ा पीछे देखना है, अगर देख सकते हो तो जर्क नहीं आना चाहिए। रिलैक्स। पहले हाथों का लॉक खोलेंगे, यस, वही हम अल्टरनेट करेंगे लेफ्ट लेग से। अब लेफ्ट लेग को हम बेंड करेंगे, राइट हैंड को लॉक करेंगे जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। वो पीछे मुड़ कर देखना है कमर में से। रिलैक्स। हाथों का लॉक, पैर सीधा, दंडासन की पोजीशन। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा पश्चिमोत्तानासन, जो हर एक एक्सरसाइज के बाद भी आप कर सकते हो, जिसको खड़े रहकर अगर आप करते हो तो हम पदस्थासन कहते हैं। उसमें बॉडी को अपने दोनों पैरों के थम्स को पकड़ने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे बॉडी को नीचे झुकाना है। हो सकता है तो अपने सिर को अपने घुटनों के पास टच करना है, अगर नहीं होता तो कुछ नहीं, जहाँ तक आप पहुँच सकते हो पोजीशन में, फाइनल पोजीशन में स्टॉप होना है। रिलैक्स। हाथों को छोड़ा दिया जाएगा, दंडासन की पोजीशन। रिलैक्स। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि चाहे आप स्टैंडिंग वाले आसन करो, चाहे सिटिंग वाले करो, चाहे ले ऑन द बैक करो, चाहे पेट के बल करो, हर एक आसन के बाद आपका मकरासन या शवासन जरूरी है, ताकि हर एक बॉडी के मसल जो हैं वो एकदम फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। शवासन और मकरासन कैसे करेंगे वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।